जय हिंद साथियों। साथियों बात करेंगे जोन टू की टीआरएम भर्ती के बारे में कि कब तक आपकी टीआरएम भर्ती आएगी, कौन फॉर्म, कौन ये भर्ती देख पाएगा, क्या फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर पहले जैसे ही डायरेक्ट भर्ती होंगी। साथियों पूरी जानकारी दूंगा, कोई भी जानकारी दूंगा, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी टीआरएम भर्ती की तैयारी करते हैं तो साथियों आपको टारगेट फिजिकल अकेडमी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको टीआरएम भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहे, जब भी भर्ती आती है आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। तो देखिये इन दिनों कुछ ज्यादा ही सवाल आ रहे थे कि ये टीआरएम भर्ती कब आएगी। सर मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, बिहार का निवासी हूँ। तो देखो यार टीआरएम भर्ती लास्ट टाइम 2019 में आई थी, आपको पता है। हाँ एक बात और बता दूं, जो नए कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इन राज्यों से हैं तो आप जोन टू में टीआरएम भर्ती देखते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य भी है, छूट गया था, ठीक है। इन स्टेट से है तो आप जोन टू से टीआरएम भर्ती देखते हैं। आपको पता ही है कि पूरे भारत को मिला के जो चार जोनों में टीआरएम भर्ती कंडक्ट करवाई जाती है, तो इन जो राज्यों के नाम बताया हूँ इनमें से है तो आप टीआरएम भर्ती जोन टू में देख पाते हैं। और जो इसकी एज क्राइटेरिया भाई लास्ट टाइम तक थी वो 18 से 42 वर्ष थी, अब क्या कुछ अपडेट आएगा ये तो जब भर्ती आएगी तब क्लियर हो पाएगा। क्या आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो अभी तक तो ऐसा नहीं होता था, तो फिर आपको पता कहाँ से चलेगा कि भर्ती आ गई है। तो जो आपके एआरओ होते हैं जैसे अमेठी, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मतलब ये सब जो एआरओ हैं आपका, दानापुर एआरओ हो गया, रांची एआरओ हो गया, तो वहाँ पे एआरओ जो ऑफिस होता है वहाँ पे आपका नोटिस सस्पा किया जाता है। जब वहाँ पे नोटिस सस्पा कर दिया जाता तो वही वायरल होता था या फिर न्यूज़पेपरों में भी आपका विज्ञापन प्रकाशित होता था, तो वहाँ से जानकारियाँ मिल जाती थी। अब हमको लगता है यार कि ऑफिशियल नोटिस जारी होना चाहिए, अभी तो नहीं आया है। जैसे कोई भी जानकारी आती है टीआरएम भर्ती से रिलेटेड तुरंत आपको जानकारी दी जाएगी। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।